बात है यार, कितनी स्नो। मुझे तो आंटी का घर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खुले में रह रही है आंटी। व्लॉग्स सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भाई, थैंक यू एंड बाय। ओके, लगता है हम ना गलत जगह एंट्री कर ली है, अब हम जा रहे हैं वापस। एक दिक्कत हो गई हमारे हर्ष भाई की, अभी हम यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं कि ऊपर जाएं कि नीचे जाएं। रोड देख रहे हो, कहीं ब्लैक आइस ना हो, दिक्कत हो जाएगी। अभिषेक भाई वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी 70-30 है। अरे चलो यार, इतनी बड़ी बाइक किसने ली है घर पर, 32 लाख की बाइक यार। देखो सुनो, एक काम करते हैं, ऐसे नीचे रखते हैं, जान लगेगा आपको कि रिस्क है। एक हाँ ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा आगे तक देख लेते हैं, और क्या अगर है मन में तो ठीक है, बाकी नहीं मन करेगा तो मन करेगा। तो अभी फिर से ये डिसाइड हुआ है कि अभी हम जा रहे हैं, जहाँ तक हम आगे तक जा सकते हैं हम वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद निचले रोड पे जाना है, आगे लेक है, लेक घूम के आना। यहाँ लेक है क्या नीचे? मुझे तो ऐसे पे ना चलाने में मजा आ रहा है, सच बताऊँ तो लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे पे चलाने में। अगर ये ब्लैक आइस होती है, वैसे ब्लैक आइस, लेकिन उसके ऊपर ना सैंड डस्ट डाल रखा है, जिससे ना ट्रैक्शन ठीक रहेगा टायर का और अच्छे से चली जा सकती है। भैया जो पीछे बैठे हुए थे वो बता रहे थे कि सिर्फ यहाँ से 200 मीटर तक ये सब मिलेगा, उसके बाद बिल्कुल प्लेन रोड है। जा रहे हैं और उतनी ज्यादा स्नो है, क्या बात है यार, कितनी स्नो। अभी मैं और अभिषेक भाई थोड़ा आगे तक देख के आ रहे हैं कि आगे क्या है। भाई पीछे इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, जाने दो उसको, जाने दो। निकलना पड़ रहा है, यही तो मुझे पसंद है। ओ माय, ओ भाई साहब मैं भी ओ बिल्कुल फ्रेश है। गब्बर तू भी ले, मैं भी लूं। अभिषेक भाई बस आगे से वापिस चलेंगे। ओ भाई साहब क्या बात है, बताओ आप जैसे कहोगे यार उनको छो, हाँ वापिस चल लो, पता है वो पीछे रहेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है और सिर्फ नेचर की आवाज़ है, और इतना शांति, इतना पीस, इतनी शांति कहाँ मिलेगी देखने के लिए दिल्ली में। इतना अच्छा लग रहा है। हमने ना अंकित भाई को और हर्ष भाई को पीछे ही छोड़ दिया था, वहाँ पर रुक गए थे, हमने सोचा थोड़ा सा आगे देख के आएंगे। अभिषेक भाई थोड़ा अकेले आगे जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आगे तक होके आते हैं। चले चल रहे हम वापस, ऊपर स्नो, नीचे स्नो, बीच में हम। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस भाई के पास, जहाँ पे अंकित भाई और हर्ष भाई हैं।
हर्ष व्लॉग्स, सब्सक्राइब कर दो। हाँ हाथ गर्म कर रहे हैं, इंजन गर्म हो रहा है, ग्लव्स गर्म हो रहे हैं, फिर हाथ गर्म हो रहे हैं। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू एंड बाय। ओके सामने देखो कितना अच्छा व्यू है। यहाँ रुके थे और आंटी हैं, यहाँ पे आंटी रहती हैं, और क्या बताऊँ यार, मैगी इतनी बढ़िया बनाई, चाय भी पी, दो दो चाय पी, मैगी खाई, सब कुछ अच्छा था और व्यू भी बहुत बढ़िया है। मुझे तो आंटी का घर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खुले में रह रही है आंटी, और कोई और दूसरा घर नहीं है, वो आंटी का बगीचा था। सीधा रुकेंगे अपने कॉटेज में जाके, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है, और यहाँ पे भी बहुत इन्जॉय कर लिया, बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत सारे व्यूज़ आप लोगों को दिखा दिए, तो अब सीधा हम कॉटेज में रुकेंगे जाके। अभिषेक भाई के सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी ठंड लग रही है, तो अभिषेक भाई जा रहे हैं अभी दवाई लेने के लिए, और हमारे अंकित भाई और हर्ष भाई तो आगे चले गए हैं। हम दोनों यहाँ पे रुके हैं अभी, और थोड़ी देर रुक के अपना दवाई ववाई ले लेंगे, ठीक है, रात में कोई प्रॉब्लम ना हो, और कल भी सीधा अपने यहाँ से दिल्ली निकलना है, तो सुबह तक ठीक भी हो जाएंगे, कभी प्रॉब्लम हो जाए, ठंड ज़्यादा लग जाए इसलिए। शिट यार, अभी हम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहेगा, और वो दुकान वाले भैया केमिस्ट अपना बंद करके चले गए, फिर कहीं आगे रुकना पड़ेगा मेडिसिन लेने के लिए। बहुत लंबा ट्रैफिक है, पता नहीं कितने दूर का होगा, कितना दिखा रहा है ट्रैफिक, ज़्यादा भी नहीं है, बस ये आगे टर्न तक होगा जहाँ तक भी है। पीछे चेकिंग चल रही थी, पुलिस वालों ने रोक रखा था, इसलिए वो ट्रैफिक था, एक एक करके कार को निकाल रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की चेकिंग चल रही है। हम ठीक जा रहे हैं, एक मिनट डिस्टेंस दिखा रहा है, वो दूसरा होगा, वो देखो नीचे तो नहीं है, नहीं जब हम होटल से निकले थे तो ऐसी रोड थी खराब, नहीं 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 बहुत अच्छी रोड थी, लगता है हम ना गलत जगह एंट्री कर ली है, अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि जब हम आए थे अपने कोटे से वो ऐसा रोड नहीं था, शायद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अभी लगता है हम रास्ता भूल चुके हैं, कोई और रास्ता है, समझ में नहीं आ रहा रास्ता है कहाँ पे, तो हम आ गए हैं सही ट्रैक पे, सही रूट पे, यही रोड था यार, एकदम घना अंधेरा है, इस रोड पे कोई आ ही नहीं रहा है, और हम चले जा रहे हैं यहाँ से, वैसे है तो ज़्यादा दूर नहीं,
अभी एक दिक्कत हो गई, हमारे हर्ष भाई की बाइक गिर गई थी यहाँ पे। चलो हर्ष भाई को चोट नहीं आई, अब सेफ नहीं। मैंने फिर एडिशन ब्लू कहाँ देखा? मैं वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं, समझ नहीं आया। और इतना लंबा गए थे मुझे याद भी नहीं है। और वैसे हुआ क्या था, अभी क्या हुआ था? क्या जब बाइक गिर गई थी? अरे वो बाइक, वो गाड़ी वाले मार चुके थे। कहते हैं कि हर्ष ने बाइक गिराई है। कैसे गिरी भाई, अब तो पीछे पीछे थे। अरे मैंने भी वही करा, मैंने भी साइड दी थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे किनारे भी थे ना, पीछे वाला टायर ऐसे नीचे हो गया, पैर नहीं टायर नीचे हो। तो फाइनली अपने रूम में पहुंच चुके हैं और राइड काफ़ी अच्छी हुई, अच्छा लगा। बस आते वक्त थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे और अभिषेक भाई अपने काम में लगे हुए। तब हम काम आए जब रास्ता भूल गए थे। हाँ, हम तो थोड़ा आगे चल रहे थे, जैसे ही मैंने अभिषेक भाई और अंकित भाई को देखा, डीपर आप वैसे रुके थे या कनेक्ट हो गए थे? डीपर देख लिया था। अच्छा, डीपर देख लिया था। हाँ। मैंने तुरंत डीपर मारा, भाई आगे जा रहे थे और आके फिर वापस आए और इस रूट से आए। आते वक्त थोड़ा सा कुछ और था, जाते वक्त मतलब जब वापस आ रहे थे उस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा डिफरेंट। तो बस इस व्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। आई होप कि व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।